चलो बच्चा देखो, आज हम आपको कंप्यूटर डेस्कटॉप के बारे में प्रैक्टिकल के माध्यम से बताएंगे, ठीक ना, कि कंप्यूटर डेस्कटॉप है क्या और इसमें प्रयोग होने वाले कंपोनेंट क्या क्या हैं, ठीक ना, और उनका कंप्यूटर में क्या क्या रोल होता है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहली चीज़ कंप्यूटर डेस्कटॉप है क्या चीज़, ठीक ना। तो बोल सकते हैं बच्चा कि द फर्स्ट स्क्रीन अपीयर आफ्टर बूटिंग इज कॉल्ड डेस्कटॉप, कि कंप्यूटर बूट होने के बाद जो सबसे पहली स्क्रीन मॉनिटर पर शो होती है उसी को कंप्यूटर डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद जो सबसे पहली पिक्चर मॉनिटर पर शो होती है उसी पिक्चर को कंप्यूटर डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए इसी पिक्चर को कंप्यूटर डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। तो देखो बच्चा, कंप्यूटर में ये आपके कुछ छोटे छोटे पिक्चर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। इस पिक्चर को आइकन के नाम से जाना जाता है, और जो आपके आइकन्स होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। सबसे पहला होता है सिस्टम आइकन और दूसरा होता है शॉर्टकट आइकन्स। हमने आपको क्लास में बताया भी था कि भाई सिस्टम आइकन वे आइकन होते हैं जो कंप्यूटर में पहले से बने बनाए होते हैं, ठीक ना। और उस प्रकार के आइकन को सिस्टम आइकन के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, रिसाइकल बिन हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, माई डॉक्यूमेंट हो गया, ये आपके सिस्टम आइकन के नाम से जाने जाते हैं जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ लोड होते हैं। अब बात आती है भाई शॉर्टकट आइकन क्या होते हैं। तो बोल सकते हैं कि वे आइकन्स जिनको यूजर बनाता है उस प्रकार के आइकन्स को शॉर्टकट आइकन्स के नाम से जाना जाता है। जैसे देखा जाए जो आपके शॉर्टकट आइकन्स होते हैं बच्चा, उनकी जो पहचान होती है उस पर इस प्रकार के ऐसे तीर का सिंबल बना होता है, तो ये माना जाता है ये आपके शॉर्टकट आइकन्स होते हैं। जैसे मान लो हमको रिसाइकिल बिन आइकन का एक शॉर्टकट बनाना हो तो एकदम सिंपल मेथड है। देखो इस मतलब जो आइकन पर जाइए, एक बार टिक करिए और राइट बटन दबाइए माउस का, देखो एक ऑप्शन आएगा क्रिएट शॉर्टकट, यहाँ पर ऐसे टिक कर दीजिए, तो ये देखिए रिसाइकिल बिन का एक शॉर्टकट आपका बन करके तैयार हो गया। और जैसे आपका शॉर्टकट बना, ठीक ना, इस पर देखो तीर का सिंबल जो है शो होने लगा। तो इसीलिए आपके डेस्कटॉप पर ये जो छोटे छोटे पिक्चर शो होते हैं इस पिक्चर को आइकन के नाम से जाना जाता है। और जो आपके आइकन्स होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम होता है दूसरा शॉर्टकट होता है। उनकी जो पहचान होती है उस पर इस प्रकार के तीर का सिंबल बना होता है, तो उस प्रकार के आइकन को शॉर्टकट आइकन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई चीज़ें। चलो अच्छा, नेक्स्ट जो पीछे का बैकग्राउंड शो हो रहा है, इस पीछे के बैकग्राउंड को वॉलपेपर के नाम से जाना जाता है। जो सिंपली मतलब वॉलपेपर आप लोग जो है बदल भी लेते होंगे, जैसे मान लो मतलब बदलना हुआ तो माउस का ऐसे राइट बटन टिक करिए, एक ऑप्शन नीचे आएगा पर्सनलाइजेशन, और यहाँ पर ऐसे टिक कर दीजिए, तो यहाँ पर देखो ढेर सारे वॉलपेपर आपके शो होने लगे। या यहाँ पर मतलब नीचे आप शो होइए, तो यहाँ देखो शो हो रहा ना डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो यहाँ पर ऐसे टिक कर दीजिए, तो बच्चा देखो यहाँ पर आपके ढेर सारे वॉलपेपर शो होने लगे, ठीक ना। तो आपको जो भी लगाना हो आप यहाँ से टिक करके लगा सकते हैं, ठीक ना, क्लियर हो गई चाहिए। नेक्स्ट आइए डेस्कटॉप पर, ये जो सबसे नीचे बॉटम में ये जो पतली सी पट्टी शो हो रही बच्चा, इस पट्टी को हम लोग टास्क बार के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। और जो आपका टास्क बार होता है ये चार भागों में बटा होता है। सबसे पहला भाग ये होता है, ठीक ना, जहाँ पर ये सुपर की का लोगो शो हो रहा है, मतलब विंडो की का लोगो शो हो रहा है। इस पहले वाले भाग को हम लोग जो है स्टार्ट बटन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर टिक करके हम कंप्यूटर में मौजूद किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लो हमको जो है कंप्यूटर में मौजूद किसी भी प्रोग्राम को खोलना हुआ, तो यहाँ पर हम जो है स्टार्ट बटन पर टिक करेंगे और देखो सब जो है सारे यहाँ पर आपके शो होने लगे, ठीक ना। किसी भी जो सॉफ्टवेयर को खोलना चाहते हैं या किसी भी जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम को खोलना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए जो सबसे पहला भाग होता है इस भाग को जो है स्टार्ट बटन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाइए बच्चा, नेक्स्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो भाग होता है इस भाग को क्विक लंच बार के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका दूसरा भाग होता है इस भाग को हम क्विक लंच बार के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है कि इस क्विक लंच बार में हम अपने आवश्यकता के अनुसार किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मान लो आपको वर्ड खोलना हुआ, तो हम लोग वर्ड खोलने के लिए जाते थे मतलब विंडो मेनू पर, यहाँ पर टिक करते थे, तो उसके बाद फिर मतलब यहाँ से हम जो है किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन यदि आप किसी सॉफ्टवेयर को क्विक लंच बार में ला करके रख लेते हो, तब तो आपको जो है विंडो मेनू में जाने की आवश्यकता नहीं होती है।
चलो देखते हैं कि आप जो है किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कैसे मिला करके क्विक लंच बार में रखते हैं। तो जिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आपको क्विक लंच बार में ला करके रखना होता है, उस एप्लीकेशन पर जाते हैं और माउस का राइट बटन ऐसे टिक करते हैं। जैसे मान लो हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रखना हुआ, तो हम खोले इसको और इस पर को ये माउस का राइट बटन हमने टिक किया और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है, ये देखो पिन टू टास्क बार, ठीक ना, और पिन टू टास्क बार पर हम टिक कर देते हैं। ठीक, उसके बाद इसको हम बंद कर देते हैं। ये देखो यहाँ पर आपके क्विक लंच बार में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया है, ठीक ना। तो देखा जाए कि अब जो है इस का मतलब फ़ायदा क्या हुआ, तो ये देखो मान लो आपको यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना हो तो यहाँ से मैं इसे टिक कर देंगे तो यहाँ देखो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा, खुला ये देखो, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि यदि अब हमको जब जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना होगा तो अब हमको जो है स्टार्ट बटन या विंडो मेन्यू में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम ही सामने से जो है इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं जिसको भी रखना हो। जैसे ही मालूम मतलब डेस्कटॉप से टाइपिंग मास्टर को ला करके हम इस क्विक लंच बार में रखना चाहते हैं, तो देखो टाइपिंग मास्टर को जो है ले करके ला करके मतलब टाइपिंग मार पर जो है क्विक लंच बार में छोड़ दो, ये देखो, ठीक ना। अब आपको मान लो BLC मतलब रखना, मतलब BLC को हमने जो है ड्रॉप किया मतलब ला करके क्विक लंच बार में से छोड़ दिया माउस से, ये देखो, ठीक ना। तो ये होता है क्विक लंच बार का इस्तेमाल, कि हम क्विक लंच बार में किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ला करके स्टोर कर सकते हैं और जब भी उसको खोलना होगा तो हमें मतलब डायरेक्टली जो है उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, ठीक ना। चलो नेक्स्ट जो तीसरा भाग होता है बच्चा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो ये पतला, ठीक ना, जहाँ पर ये आपके नोटिफिकेशन शो होते हैं, ठीक ना, ये मतलब नेटवर्क का सिंबल शो होता है, साउंड का सिंबल शो हो रहा है, डेट एंड टाइम शो हो रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस वाले भाग को हम जो है नोटिफिकेशन एरिया के नाम से जाना जाता है। अब इस नोटिफिकेशन एरिया का काम क्या होता है, जैसे यदि मान लो आपको कोई मतलब डेट एंड टाइम देखना होगा तो मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं, यदि आपको बदलना होगा तो यहाँ से आप टिक करके जो है उस मतलब डेट एंड टाइम को बदल भी सकते हैं, ये देखो, ठीक ना, जो भी मतलब लगाना होगा यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके टास्क बार में जिस भाग में दिखाई देती हैं उसी भाग को नोटिफिकेशन एरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। और नेक्स्ट जो चौथा भाग होता है ये एकदम पतला सा देखो यहाँ कोने में, ठीक ना, जो माउस का तीर का सिंबल है देखो जहाँ पर ले जा रही है, ठीक ना, ये जो पतला सा भाग होता है इस पतले से भाग को हम शो डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। इसका काम क्या होता है, जैसे सपोज दैट मानो अगर हम किसी भी एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में खोलते हैं तो हमारा डेस्कटॉप शो नहीं होता, ठीक ना। तो उस एप्लीकेशन को बिना मिनिमाइज किए हुए, बिना क्लोज किए हुए यदि आप अपने डेस्कटॉप को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम शो डेस्कटॉप ऑप्शन का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने खोल लिया, खुल गया हमारा, ठीक ना। तो बच्चा देखा जाए अब जो है हमारा डेस्कटॉप शो नहीं हो रहा, ठीक ना। तो यदि आपको डेस्कटॉप देखना होगा तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो यहाँ से इस जो है वर्ड को आप मिनिमाइज कर दीजिए, है ना, ये देखो आपका मिनिमाइज हो गया तो आपका डेस्कटॉप शो होने लगा। नहीं तो दूसरा मतलब रास्ता क्या है, यहाँ से इस मतलब विंडो को आप बंद कर दो, ये देखो तब भी देखो जो है आपका डेस्कटॉप शो होने लगा। लेकिन यदि मान लो हम किसी भी एप्लीकेशन को खोलते हैं तो उस एप्लीकेशन को बिना मिनिमाइज किए हुए, बिना क्लोज किए हुए यदि हम अपने डेस्कटॉप को देखना चाहते हैं तो उसके लिए शो डेस्कटॉप ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मान लो हम माउस का तीर का सिंबल ये देखो, है ना, ये तीर का सिंबल ला करके यहाँ बॉटम में राइट साइड में कोने पैसे रख दिए, डेस्कटॉप आपका शो होने लगा। और जैसे यहाँ से तीर का सिंबल दूसरे में मतलब जाएगा, ये देखो तैसे देखो फिर से आपकी वही खुली हुई विंडो शो होने लगी, ठीक ना। तो ये फायदा होता सो डेस्कटॉप का, बोल सकते सर कि किसी भी एप्लीकेशन को बिना मिनिमाइज किए हुए, बिना क्लोज किए हुए यदि हम अपने डेस्कटॉप को देखना चाहते हैं तो उसके लिए सो डेस्कटॉप ऑप्शन का इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्लियर हो गई चीजें। तो ये था बच्चा आपका डेस्कटॉप वगैरह, ठीक ना। ये जो डेस्कटॉप के पिक्चर शो होते हैं इसको हम आइकन के नाम से जानते हैं, ठीक ना, और पीछे का बैकग्राउंड जो होता है उसको वॉलपेपर बोलते हैं। नीचे की जो पट्टी होती है उसको टास्क बार बोला जाता है, जो आपका चार भागों में बटा होता है। पहले वाले भाग को स्टार्ट बटन के नाम से जानते हैं, दूसरे वाले भाग को क्विक लंच बार बोला जाता है, और तीसरे वाले भाग को नोटिफिकेशन एरिया के नाम से जाना जाता है, और जो चौथा भाग होता है उसको शो डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, क्लियर हो गई चीज़ें।
और इसके साथ साथ जो आपका टास्क बार होता है ये देखा जाए बच्चा डिफ़ॉल्ट रूप से आपके डेस्कटॉप के बॉटम में ही शो होता है। यदि हम चाहें तो इस अपने टास्क बार को ऊपर नीचे दाएं बाएं भी रख करके काम कर सकते हैं। जैसे अभी सपोज दैट मान लो ये नीचे है, ठीक ना, अगर मान लो इस टास्क बार को हमको ऊपर ले जाना हो तो कुछ नहीं करना, टास्क बार पर आइए, माउस का तीर का सिंबल यहाँ पर टिक करिए और राइट बटन ऐसे प्रेस करिए, एक ऑप्शन आएगा लॉक द टास्क बार, ठीक ना, तो यहाँ पर आप टिक लगाएंगे तो आपका लॉक हो जाएगा, ठीक। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ये लॉक नहीं है तो इस चीज़ को पकड़ो, मतलब ला कर कैसे छोड़ दो ऊपर, ये देखो टास्क बार आपका ऊपर शो होने लगा। यहाँ से भी जो चीज़ आपको खोलनी होगी वो आप यहाँ से खोल सकते हैं, ठीक ना। यदि आपको लेफ्ट साइड में रखना है तो आप ला करके इसको लेफ्ट में छोड़ दो, ये देखो आपका लेफ्ट में आ गया, ठीक ना। राइट साइड में तो लाना, ये देखो राइट साइड में आपका शो होने लगा। यदि मान लो हम अपने टास्क बार को राइट साइड में ही रखना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर से आइए और माउस का राइट बटन क्लिक करिए, एक ऑप्शन आएगा लॉक द टास्क बार, और देखो यहाँ से इसको हम लॉक कर दिया। अब देखो ये ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर जा नहीं रहा, ठीक ना। ये फिर से हम तो ले जाना होगा तो इस पर राइट क्लिक करिए और लॉक पर टिक कर दिए, अब आपका ये टास्क बार अनलॉक हो गया। अब इसको मान लो नीचे ले आना, ला करके नीचे रख दो, ठीक ना। तो हम अपने टास्क बार को अपने डेस्कटॉप के ऊपर नीचे दाएं बाएं भी रख सकते हैं, क्लियर हो गई चाहिए। लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से आपका जो टास्क बार होता है वो नीचे ही शो होता है, इसलिए हम इस टास्क बार को नीचे लॉक कर देते हैं, क्लियर हो गई चाहिए। तो अब देखा जाइए आपका किसी भी साइड जाएगा नहीं, ठीक ना। तो बच्चा यही जो पूरी पिक्चर आपको मॉनिटर पर शो हो रही है इसी को डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है, क्लियर हो गई चाहिए। चल दैट्स ऑल।